जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम आपसे लास्ट में जरूर बात करेंगे। तब तक वीडियो में टिके रहना, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मोदी जिंदाबाद, आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह हम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। एजेंट जिंदाबाद, यहूदी का एजेंट जिंदाबाद। हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। अगर आप एक नजर सिर्फ मारंग बलोच के धरने पर डाल लेना, जो बलोचिस्तान में जाकर वो कर रही हैं, और जो इस वक्त वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद बाकायदा आवाम, मुझे लग रहा है सारी बलोचिस्तान की पहली आबादी बहुत कम है, लेकिन उस कम आबादी में भी तकरीबन आधी आबादी जो है वो उस धरने के अंदर मौजूद नजर आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पुरमन बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मारंग बलोच साहिबा जिस दर्द को लेकर इस्लामाबाद से गई हैं, उसका इजहार वो करती हुई नज़र आ रही हैं उन तकरीरों में, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से क्या सलूक किया गया कैपिटल में हमारे साथ। जिन्होंने गज़वा हिंद लड़नी थी वो पाकिस्तान के झंडे को सरेआम रुसवा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप सबको याद होगा जब ईरान पाकिस्तान के बीच में मिसाइल का एक्सचेंज हुआ, और जब पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर बम दागे, मिसाइल दागे, जो भी करा, तो उसमें बेचारे बलूचिस्तान के लोग जो है वो मारे गए, और इसी का फायदा उठाकर मारंग बलोच जो कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी अपने कुछ लोगों के साथ में, उस प्रोटेस्ट को भी दबा दिया गया, दहशतगर्दी का आरोप लगाया गया, और बेचारे उन बलूचिस्तान के लोगों को खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों जब मारंग बलोच बलूचिस्तान वापस गई और उनको सुनने के लिए जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग वहां आए, ऐसा लगा कि पूरा बलूचिस्तान जो है वहां पहुंच गया है, और मारंग बलोच ने बताया उन बलोच के लोगों को कि किस तरह से इस्लामाबाद में उनके साथ ट्रीट करा गया उनके साथ, और किस तरह से पीटा गया उनको, और वो खाली हाथ वापस आई है। तो अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि अब अपना हक मांगना नहीं है, बल्कि अब अपना हक छीनना होगा, जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने भी तय करा था। साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान का भी कुछ यही हाल है, केपीके का भी कुछ यही हाल है, और इधर अफगानिस्तान ने भी अब पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि जो बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुन्नू ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिया, अफगानिस्तान के लोग काफी भड़के हुए हैं, तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो काफी भड़की हुई है इस बयान को लेके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकॉन को जरूर से आप सब प्रेस कीजिएगा। इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात की नोयत आप अच्छी तरह जानते हैं, और पिछले दिनों जो अफगान वजीर ने बयान दिया, जो उनके सरहदों के वजीर हैं, कि जी हमारी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल सरहद नहीं है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये जो पाक अफगान, जिसको हम पाक अफगान सरहद कहते हैं, ये कोई आलमी सरहद नहीं है, ये एक फर्जी लकीर है। अब अटक तक जो इलाका है यानी खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये वो मौक़िफ़ है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि जब अफगान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तदार आएंगे तो वो इनसे यानी अफगान तालिबान से ये बात भी मनवा लेंगे कि वो इस ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल सरहद तस्लीम करें। अब अफगान हुकूमत की अगर ये पॉलिसी है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत तशवीश की बात है। और बीच में जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया अफगानिस्तान के हवाले से कि अगर हमारा एक भी शहरी जान से जाता है तो वो हम जो है उसकी कीमत जो है वो पूरा अफगानिस्तान हो सकता है हमारी नज़र में, ये एक बयान दिया था जिस पर बड़ा शदीद रद्देअमल भी अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो जाहिर किया गया। से कुछ दिनों कबल ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया, लेकिन खैर बहरहाल वो मामला तो सुलझ गए जैसे तैसे करके। इसके अलावा हमने अपना दुश्मन फजूल में अफगानिस्तान को भी बना लिया है, अफगानिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर हम बना के खड़े हुए, और लगता यूं है कि कुछ अरसे में हम अफगानिस्तान के साथ अपना कॉम्पिटिशन शुरू कर देंगे। इंडिया से कॉम्पिटिशन तो बहुत दूर की बात है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान चाहे कितना भी कह ले कि नाम नहाद जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत, वैसी जमहूरियत, कम अज कम वहां पर जमहूरियत का एक तसलसल है जो कि मुस्तकिल तौर पर हमें नजर भी आता है, और वो जमहूरियत जिस पर वहां के अवाम भरोसा करते हैं, रिलाय करते हैं, एतबार करते हैं, और अपना मुंतखब नुमाइंदा खुद चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनने की भी पाकिस्तानियों को
इजाजत नहीं है। तो ये सब कुछ तो होता आ ही रहा था पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं, जो बैरूनी तौर पर जो मामलात हैं, वो भी बहुत ज्यादा हद तक खराब हो चुके हैं। ये भी इस वक्त सबके सामने है। अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया वो सबके सामने है। पहले हमने अफगानों को किस तरह से यहां से बेदखल किया, उसके बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इसके अलावा अब से कुछ दिनों कबल जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ईरान की जानिब से जो किया गया वो जिस भी बिना पर किया गया, और उसके बाद जो भी मामला हुए, और फिर इंडिया, इंडिया तो जाहिर सी बात है कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अभी मालूम है सबको कि एक बड़े अहम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने वाला है, तो कैसे हमारा दुश्मन हमें इस तरह से छोड़ देगा? वो तो कोई मौका जाने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे पावर में भी आगे है, मईशत में भी आगे है, सियासत में भी आगे। उनकी मईशत दुनिया भर में इस वक्त एक नाम कमा चुकी है। जो इस वक्त मामलात भारत के, पूरी दुनिया के ममालिक के साथ हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, क्योंकि हमने हमेशा हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन किया। जो हमारे बड़े हैं, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने कभी भी किसी का भी टेन्योर पूरा नहीं होने दिया। सिर्फ मैं इससे पिछले टेन्योर की बात नहीं करूंगी, इमरान खान साहब के अलावा इससे पहले भी जितने भी टेन्योर्स गए हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बार बार गिराया गया, इससे पहले भी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, और फिर जो कुछ भी अजल से चलता आ रहा है, और अब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के यही हालात रहेंगे। तो जब तक हम अपने साथ खुद सीरियस नहीं होंगे, हम अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने अवाम के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, हमारे साथ कोई भी सिंसियर नहीं हो सकता। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त मईशत है, जो सियासत है, उसको देखकर लगता यही है कि आने वाले 5 साल 10 साल में हम मजीद पीछे की तरफ चले जाएंगे, मजीद पीछे की जानिब हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और वो अपने रंज और गम का इजहार कर रही हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो उस वक्त धरने में मौजूद हैं, और उन्हें बता रही हैं कि हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमें ऐसे ही लौटा दिया गया है खाली हाथ। इतना ही नहीं, हम पे जुल्म भी किया गया है, हमारे सरों से चादरें भी खींची गई हैं। तो ये सब वो कहानी सुना रही हैं। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सारी जो उनकी रुदाद है, ये जो उनके आंसू हैं, ये जो उनकी तकलीफ़ है, ये क्या आपके लिए मोहब्बत भर रही है दिलों में? ये क्या रियासत के अंदर आपका एक बहुत इमेज जो है बेहतर हो रहा है? ये आप मोहब्बत बाँट रहे हैं या आप क्या बाँट रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? ये नफरत फैला के क्या चाह रहे हैं आप? यानी वो लोग तो अभी तक भी ये नहीं कह रहे थे कि हमने को बलूचिस्तान को अलग करना है या इस तरह, लेकिन आप उनको क्यों इस नहज पर लेकर जा रहे हैं? फिर क्या कोई बांग्लादेश बनाने का इरादा है कि आप इस तरह किसी को मसल के रख दें, कुचल के रख दें कि वो फिर आपसे अलग होने का सोचें? फिर ये बलूचिस्तान की एक सेंसिटिव सूरत हाल, तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में पहले तो रजीम चेंज हुआ, और किस तरह से एक पीटीआई के वजीर आला को इन्होंने धोखेबाजी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जालसाजी के ज़रिए हटाया, उनकी हुकूमत तब्दील की। फिर उसके बाद उनके कुछ जेन्युइन मसाइल हैं गिलगित वालों के, और उस पर वो बात करते हैं। और चलिए आप मान लें कि बहुत शायद उनके जेन्युइन मसाइल ना भी हों, कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा भी डिमांड कर रहे हों, लेकिन अगैन वही बात है, तरीकाकार तो एक ही है ना कि बातचीत की जाए। पहले उनका एहतजाज शुरू हुआ गंदम की सब्सिडी के मामले के ऊपर, और फिर उसके बाद उनके कुछ और मुतालबात उसमें शामिल हो गए। आज आप गिलगित बल्तिस्तान का ज़रा मुजाहरा देख लें जो हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं। तो बलूचिस्तान आपसे खुश नहीं है, वो बाहर निकल आया। गिलगित बल्तिस्तान आपसे खुश नहीं है, वो सड़कों पर है। केपी आपसे नाराज है, वो सड़कों पर है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अब अगले ही हफ्ते पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड इलेक्शन होने वाला है। अब देखना यह है किस तरह से इमरान खान को दबाया जाता है, मतलब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है हमारे पड़ोसी मुल्क में। जो भी दोस्त, जो भी भाई पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान को क्लोजली वॉच करते हैं, उन सबको पता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ आने वाला है अब पाकिस्तान के अंदर। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी फौज, जो कि इस वक्त बदनाम है पाकिस्तान के अंदर, आएंगे। एक था पाकिस्तान जिसको बनाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना था, जो अब इस दुनिया में कहीं भी दिख नहीं पा रहा है। ढूंढने जाएंगे तो गोताखोरों को भी मिलने वाला नहीं। तो बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।